fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Again, bless a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. कुछ कहानियों को सुनाने के लिए नहीं, उनको जीने के लिए शौर्य और वीरता की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी कहानी है एल्डन रिंग की। ऐसा माना जाता है कि इस कहानी को सुनाने वाले, जीने वाले लाखों करोड़ों आते हैं, लेकिन खत्म करने वाले मुट्ठी भर से भी कम होते हैं। लेकिन इस कहानी को हम भी जीने वाले हैं। अब ये निर्भर करता है पूरी तरह आप लोगों पर कि इस कहानी को हम कितनी दूर तक आगे लेके जा पाएंगे, क्योंकि आपने अच्छी तरह देखा है सेकिरो मैंने कैसे खेला, कैसे खत्म किया, गॉड ऑफ वॉर मैंने कैसे खत्म किया है। लेकिन एल्डन रिंग की इस कहानी को, जो कि बहुत बहुत कठिन होने वाली है, हम कितनी दूर तक लेके जा पाएंगे ये डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। जब तक आप इसकी वीडियोस पर प्यार मोहब्बत देते रहेंगे, ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, एंड माय डियर दमदार किंग्समैन, स्वागत है आपका एक दमदार और खतरनाक कहानी में जिसका नाम है एल्डन रिंग। आइए आरंभ करते हैं।
Danny's finger. वैसे बहुत कुछ समझ में तो नहीं आया इसके कटसीन को देख के. वाओ, ये शायद मल्टीप्लेयर का वो जेस्चर था, बट फिलहाल बहुत कुछ समझ में तो नहीं आया इसको देख के, लेकिन ए वाओ ब्यूटीफुल यार, बहुत खूबसूरत है ये. ये समझ में आया कि जिस जगह हम हैं यहाँ पे, ये ट्रेजर चेस्ट अहेड, सीक एल्डन रिंग. मैं थोड़ा कंट्रोल समझ लूँ उसके बाद आगे बात करता हूँ ना. काफी हद तक सेकिरो की तरह ही होगा, लेकिन हाँ ये समझ में आया कि जिस जगह पे हम लोग हैं इसका नाम है लैंड बिटवीन, मे बी ऐसा कुछ. और अब ये जो लैंड बिटवीन है, ये बहुत पहले यहाँ पे कोई क्वीन थी, रानी थी मेरिका आई थिंक, और कोई एल्डन रिंग था यहाँ पे. पता नहीं एग्जैक्टली वो क्या था, कैसे था, क्या सोर्स था किसी पावर का या कुछ भी, वो टूट गया. उस टूटने के बाद वो बिखर गया. बिखरने के बाद जो डेमी गॉड्स यहाँ पे थे, कुछ को उसके कुछ हिस्से मिले. देखो ये सारी बातें जो बता रहा हूँ वो शायद में है, ठीक है, बहुत टुकड़ों में है, क्योंकि स्टार्टिंग कटसीन बहुत ही कुछ भी क्लियर नहीं था सच बताऊँ तो कहानी के हिस्से टूटे हुए, अभी वो जुड़ेगा आगे तब जाकर क्लियर हो पाएगा. और एक बात ध्यान रखना, जो भी आपको शेडोज दिख रही हैं या फिर जो ये दिख रहा है, ये सारे सारे गेम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये प्लेयर्स जो यहाँ ऑनलाइन खेलते हैं उन्होंने, जैसे आपको डेथ स्ट्रैंडिंग याद होगा, वहाँ पे प्लेयर्स ने और प्लेयर्स ने लिख के रखा होता है कि आगे खतरा हो सकता है, आगे हो सकता है, वैसे ही चीज़ें छोड़ी गई हैं बाकी प्लेयर्स के द्वारा. तो ये टू हाई अप टाइम फॉर ब्रेवरी, मतलब आगे फाइट वाइट होने वाली है, एनिमी अहेड. तो ये है, और वो टूटा कुछ लोग के हाथ में, वो टुकड़े आए उसके, उसके बाद अब शायद वो बराबर हिस्से पे है तो फाइट कर रहे हैं वो, इसलिए ये जगह जो शायद बहुत खूबसूरत थी पहले अब बिल्कुल बिखर चुकी है. और एक बात, उसी जगह पर रहने वाले कुछ और लोग भी थे शायद, जिसका नाम जिसका नाम नहीं, शायद वो ग्रुप है जिसे टार्निस्ट बोलते हैं. और आर यू रेडी? आई थिंक आई एम. और हमारा काम होगा उस एल्डन रिंग के टूटे हुए हिस्से को जोड़ना और पूरा कंप्लीट करना, जो कि बहुत आसान नहीं होने वाला है ऑब्वियसली. और एक बार वो जो जोड़ेगा उसे एल्डन रॉड बोलेंगे, एल्डन लॉर्ड बोलेंगे. ये होने वाला है इजी मैन. अरे अभी तो कहानी आरंभ भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी ये बॉस. शिट रियली. ये क्या हुआ? Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. One of his kind? Even if it does violate the Golden Order. Wow.
सिखिरों में भी एक ऐसा ही बच्चा होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही होती है, हम उसको सर्व करते हैं डॉल। फ्लास्क ऑफ क्रिम्सन टीयर तो बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमें हेल्थ मिलता है। और अच्छा ये है हेल्थ के लिए और ये मेरी शील्ड एंड बो एंड एरो। डेथ यस द केव ऑफ नॉलेज लाइज बिलो का द केव ऑफ नॉलेज। जंप डाउन द होल, जंप करो यहां पे और तुम्हें केव ऑफ नॉलेज मिलेगा जहां पे आप बहुत अच्छा कंट्रोल सीखोगे, बेसिक सीखोगे, एक्शन जो भी इस गेम के हैं और अदर टिप्स जो आपके हेल्प लिए हेल्पफुल होंगी ड्यूरिंग द एडवेंचर बिटवीन एडवेंचर। मतलब यहाँ पे जो भी हमें टिप्स और थोड़े बहुत चाहिए कंट्रोल से समझने के लिए वो यहाँ मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि आप चाहो तो स्किप से स्किप कर सकते हो शायद वहाँ उस गेट पे जाने के लिए। ये कौन है? बहुत कुछ सिमिलर है ये उसकी तरह, सेकिरो की तरह। वहां भी इस तरह बात करते हैं, कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं है। और यहाँ खैर शुरुआत में बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास अलग अलग कैरेक्टर चूज करने के, लेकिन सेकिरो मैंने खेल रखा और प्ले स्टाइल की बात किया तो बहुत लोगों को बहुत कुछ पसंद होगा, लाइक प्रिजनर हीरो ये वो बहुत कुछ था। लेकिन मैंने सैमुराई से ही खेला हुआ है तो थोड़ा बहुत मुझे कंट्रोल के बारे में आइडिया है कि कैसे यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यही फर्स्ट ऑफ मिमिक्री देन लाइकली विक्ट्री, इसलिए मैंने यही चूज किया। वॉरियर भी था वहां पे, लेकिन रेस्टिंग एट द ग्रेस जहाँ पे आप रेस्ट करोगे और आपकी एचपी एफपी भी है कुछ वो रिस्टोर हो जाएगी। और हाँ लेकिन साथ में आपके एनिमीज भी रिवाइव हो जाएंगे। बढ़िया, मतलब गेम बहुत टफ होने वाला है जस्ट लाइक सेकिरो, बट मजा आएगा। चैलेंज होता है तो मजा आता है। रेस्ट साइड ऑफ द ग्रेस, रेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। स्टिल स्टिल बेबे, इजी से पैरी करने का ऑप्शन क्यों? एक मिनट, दोबारा मार रहा है एक बार। Use an enemy left hand and both hand to grant against this enemy. Grant against consume stamina for critical damage. Sir, L1 से guard. ये बार देखना चाहता हूँ कि shield पे मुझे damage मिलता है या damage थोड़ा बहुत मिलेगा इस पे भी। Perfect. वही है। आप पूरी तरह से इसको you can avoid enemy attack with a dodge roll backstab this and this. ठीक है। अब इस कहानी में आगे बढ़ने के बाद समझ में आएगा जब और थोड़ा इसको समझेंगे जानेंगे, तो क्योंकि इसको गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ऑब्वियसली यार। तो बिल्डिंग ओके ठीक है। स्ट्रॉन्ग ये कहां से पड़ी? परफेक्ट। ऑसम। एक मिनट रुक के, जरा रुकने से फाइट करता है। लूट के लिए ठीक है,
हिडन पाथ अहेड। यहां पे मैं भी अभी नहीं, शायद बाद में खुले, अभी नहीं, अभी मेरे पास ऑप्शन ना हो वो खोलने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ता है। Keep about to fire a rose, descend. ठीक है, ये तो पहले भी ट्राई किया था मैंने। स्किल L2 से स्किल है, हाईली वेरीड एंड रेंज फ्रॉम पावरफुल अटैक टू टेम्परेरी इफेक्ट यूजिंग स्किल कंज्यूम FP। L2 से स्किल होगा यूज। ये कौन सी स्किल है? शायद मैंने वो कैरेक्टर ले नहीं रखा इसलिए। वाओ, नहीं पकले, उसको वेस्ट मत करो। आई डोंट थिंक कि मैं उसको बार बार रिस्टोर कर पाऊंगा, उठा भी नहीं सकते। इट्स ऑल राइट बॉय, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं यार, तलवार से मारो ना। Take it easy. Stance breaking. Hold his charge attack. यहाँ पे just like Sekiro, I don't think यहाँ भी वो health system होगा। बहुत हद तक आप उनके stance को तोड़ोगे, उसके बाद स्टिक्स ऑफ मैरिका, अगर आप मरते हो तो आप लास्ट साइड जो आपने ग्रेस देखी आप वहां रिवाइव हो सकते हो, या फिर अगर वहां पे स्टिक ऑफ मैरिका है तो आप वहां रिवाइव हो सकते हो। आपके ऊपर, आप जहां चाहो वहां रिवाइव हो सकते हो उस जगह पे। और ये अगर मेरे नजदीक यही है तो मैं यही रिवाइव होना चाहूंगा। अगर मैं मरता हूं आगे तो ये क्या है? अरे यार, ये बॉस फाइट कितनी अरीना। Easy man, easy. Move now. अरे पगले हट क्यों जा वहां पे? बहुत डैमेज दे रहा है, हटो वहां से। मर गया शायद वो। वाओ, ब्यूटीफुल ना। वैसे अच्छा है ये एरो, अगर मैं इसको, वैसे आग वाला पता नहीं कितना मिलेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग तो है। कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आई मीन रिवॉर्ड जैसा कुछ नहीं है अगर मैं इतने ऐसे एनिमी को डिफीट करता हूं तो। नो प्रॉब्लम, कुछ सिखाया था उसने वहां पे। एक मिनट, हाँ ये था ऑप्शन। ऐसे अगर मुझे शील्ड वील्ड करनी है तो लाइक दिस। कैसे हुआ था ये दिखाना जरा एक बार। आप तलवार दोनों हाथों से लेके चला सकते हो, ठीक है। ओ, घूम के मैं वहीं पहुंच गया, ठीक है। बहुत साइलेंट सा है ना ये, अभी तो है लेकिन आगे नहीं रहेगा। सकीरो में मुझे स्टार्टिंग में ही लगा था, लेकिन जब कहानी ने एक वो पल पकड़ा ना, मतलब रफ्तार, तो फिर धीमा होने का नाम नहीं लिया। फिर उसने लॉस्ट गेट ग्रेस डिस्कवर्ड में चाहता हूँ रेस्ट करूँ ताकि वो चीज़ें मेरी वापस रिस्टोर हो जाएं।
ये बंद करना होगा जो भी ये गेस्चर है, पता नहीं कैसे एक्टिवेट हो जा रहा है। ना बाबा ठीक है, अब देख, अब नीचे देख पा रहे हो सारी चीजें रिस्टोर हो चुकी हैं मेरी। कुछ शॉर्टकट भी है शायद, अभी अनलॉक नहीं है, मल्टीप्लेयर नहीं अभी नहीं। ये रोल प्लेइंग आरपीजी है तो यहाँ पे काफी कुछ होंगे, साइड क्वेस्ट भी बहुत सारे जो कंप्लीट करने होंगे आपको बात बात करके मे भी। ओ ये परफेक्ट है ना यार, ये चाहिए होता है मुझे हमेशा, थोड़ा सा खुला आसमान। ऐसा लग रहा है युद्ध के बाद पूरा आसमान एकदम रोने पे उतारू है। ओह मैन, एक यहां भी है, इसे भी टच कर लेते हैं, अब बाद में शायद फास्ट ट्रेवल के लिए भी यही काम आएंगे। लॉस्ट ग्रेस, ग्रेस डिस्कवर्ड, गार्डेंस ऑफ ग्रेस। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई टिप देना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज स्पॉइलर कोई भी कुछ भी मत देना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ भी स्पॉइलर प्लीज मत देना। आपको टिप देना चाहते हो, बताना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम बॉय, ठीक है। अगर आप अपना लोकेशन चेक करना चाहते हो तो मैप चेक करो, उसके बाद अपने मेरे से इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग मैप फिंगरमेंट मिलेंगे जहां पे आप अपना फ्रीली बिकन लाइट टू सब ऐसा, ठीक है। विद द मैप मेनू यू कैन चेक योर करंट पोजीशन एंड दिस सिंगल फ्रीली दिस। यहां पे कोई डंजन है शायद, केव ऑफ नॉलेज, स्ट्रैंडेड ग्रेवयार्ड, द फर्स्ट स्टेप। ये क्या नाटक है, इक्विपमेंट इन्वेंटरी स्टार्ट मैसेज मल्टीप्लेयर। ओह यस, टार्निश्ड आर वी, कम टू द लैंड्स बिटवीन फॉर द एल्डन रिंग। ऑफ कोर्स यू हैव नो शेम इन इट। Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. मतलब मेरा कोई गाइड कुछ करने वाला यहाँ पे है नहीं यार, सकीरो भी सामने कैसे ही बॉस था। अभी उसे फाइट करना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ यहाँ पे आसपास, देखना चाहता हूँ क्या है, कैसे है, कैसे किस तरह के एनिमीज मिलने। इन एवरी कॉर्नर ऑफ द लैंड बिटवीन फाइंड फ्रूट एंड फ्लावर। ओके, मैं चाहता हूँ इस बटन को चेंज कर दो कि बार बार ये ऑप्शन जो ये है जेस्चर वाला ये ना आए, इसको रिमूव कर। परफेक्ट, अब ठीक है, शायद अब नहीं आएगा वो। एक बात मुझे पता है, यहाँ पे हर चीज काम में आती है, और ये जगह लेकिन बहुत बड़ी है, अनलाइक सेकिरो ये बहुत बहुत विशाल जगह है। ये यहां तो ऐसा लग, आप कहीं भी कहीं भी जा सकते हो, इट्स लाइक एन ओपन वर्ल्ड मैन। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, घूमते हैं, समझते हैं, उसके बाद आगे। जैसे वहां पे था, अगर थोड़ा बहुत रिलेट कर पाऊं मैं रेसिडेंट एविल विलेज में, जहां पे हम रोज की बॉडी के पार्ट्स खोज रहे थे अलग अलग एनिमीज को मार के,
अगर उससे कंपेयर करो तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिलता जुलता तो होगा, क्योंकि हमें एल्डन रिंग कंप्लीट करनी है और उसके फ्रैगमेंट्स टुकड़ों में जो यहां वहां, थोड़ी म्यूजिक में कम कर रहा हूं, एक मिनट ना। हाँ, जो टुकड़ों में यहां वहां अलग अलग एनिमीज के पास फंसे हुए थे, फिर हम उसको लेके आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और उनको फिर जोड़ते हैं, जस्ट लाइक दैट। थोड़ा बहुत यहाँ पे वैसा है, कुछ बहुत 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 विशाल भयानक कह सकता हूँ योद्धा है यहाँ पे, जो जिनके पास वो टुकड़े हैं। और मुझे वो लेके आने होंगे उनको मार के, या फिर जैसा भी आप कह लो। द बीस्ट बोन, ये annoying थोड़ा इसलिए होता ना कि जब आप मरते हो तो बार बार आपकी सारी चीजें पहली बार चली जाएंगी, हर चीज आपकी गायब हो जाएगी। और सेक्यूरो में था कि आधी हो जाती है, अब यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है मुझे पता नहीं, एक बार डेथ हो तो समझ में आए। और दूसरी बात कि आप बहुत पीछे चले जाते हो किसी एक चेक पॉइंट पे, जो बहुत पीछे कहीं होगा जो आपने देखा होगा, इसलिए मैं खोज रहा हूं जो दूसरा कोई चेक पॉइंट आसपास हो। ये समझ लो सेकिरो की मुर्गियां हैं सारी, जो बहुत आसानी से मर रही है, इतना आसान नहीं है ये यहां पे एनिमीज को मारना, ये सेकिरो की मुर्गियां समझ लो, इजी पीजी। अभी ऐसे किसी खतरनाक बॉस से फाइट हमारी हुई ही नहीं है कि हम बोल सके कि हाँ कुछ भयानक है यहाँ पे। अगर आप किसी एनिमी ग्रुप को खत्म करते हो तो फिर आपके जो फ्लास्क हैं वो वापस आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम होगा उसे मैक्सिमम से फिर एक इंक्रीज करना चाहिए ना, मतलब वो इंक्रीज का ऑप्शन था लास्ट टाइम सेकिरो में, जैसा आप आइटम आप स्पेशल लेके आते हैं उसके बाद आपसे। खैर देखते हैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। अब बहुत सारा डिमांड था इसको लेके, एल्डन रिंग को लेके। अब इसके बाद अगर आप वॉच कर रहे हो देख रहे हो तो लाइक वाइक कर रहे हो, कंजूसी मत करना यार, ताकि एपिसोड्स में और इसके लेके आ पाऊं प्लीज। चलो यहाँ थोड़ा, अब अगर हम मरे तो दोबारा यही रिवाइव होंगे। ये रास्ता बंद है, पहले ही चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, अब आप ये सोचो इन अन्य मुने जब इतनी जान लेके जा, मतलब इतना मुझे मेरी हेल्थ खा रहे हैं, तो बाद में जो सॉरी भयानक वाले एनिमीज आएंगे वो क्या करने वाले हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट, क्यों ना एक काम करूं, अच्छी बात है कि हमें पास टाइम, मतलब दिन और रात का वक्त ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Just give me a sec, boy. मैंने ऑनलाइन वाला शायद बंद कर दिया था, उसे मैंने दोबारा एक्टिवेट किया था कि वो जो प्लेयर्स जानकारी देते हैं पिछले पहले खेल चुके वो चलता रहे, वो छूटे ना कहीं। बॉस अहेड, मतलब आगे बॉस फाइट होने वाली है, बी वेरी ऑफ बॉस। लॉक्ड बाय सम कॉन्ट्रैप्शन, मतलब मैं खोल नहीं पाऊंगा। व्हाट इज दिस, हर एक एरिया में आपको इस तरह से एफिजीज मिलेंगी और ये समनिंग पूल है, अच्छा अदर प्लेयर को समन करने के लिए जो ऑनलाइन प्लेयर है उनको। लेफ्ट, ओह लुक एट दैट,
अरे बॉस, बॉस नहीं लेकिन ये सिंपल एनिमीज है जो बैठे हुए यहाँ वहाँ। बाबा रे, यहाँ पे सिंपली तलवार हिलाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको अपनी कटाना बोलते ना इसको, उसके उससे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा समझना पड़ेगा पैटर्न एनिमी से कैसे है, वो किस तरह से वार कर रहे हैं और बचना कैसे है। सरप्राइज अटैक का हेड मतलब आगे कुछ छुपा हुआ है, वो हमारे पर हमला कर सकते। वो देखो चिपका हुआ कैसे, वो है वो। ब्यूटीफुल बेबी, पहले यहां चले कि वहां भी शायद कुछ है, ऐसा 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 लग रहा है। वहां भी चलना चाहिए अपने को, देखते हैं। ये फिर इधर पड़े यार आगे, उठ रुक जा, रुक जो इधर चलते हैं। रुको रुको, अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ है उधर, वहां देख लेते उसके बाद। ओह लुक एट दैट, बाबा रे, आराम से आराम से। मर गया शायद, मर गया मर गया मर गया मर गया। बंद करने का ऑप्शन नहीं है क्या यहां पे? इजी इजी, अरे रुक जाओ यार, ओके पड़े हो। गजब बेइज्जती है भाई, डैम इट। अगर आप मरते हो तो आप लास्ट साइट पे आप रिवाइव हो जाओगे और आप जितने आपने चीजें उठाई होंगी सारी चीजें ड्रॉप हो जाएंगी। ये इतना आसान नहीं होने वाला यार। डैम इट, फिट को फिट के काम कर दो, इनको खींच के बाहर लाओ और बारी बारी लड़ते हैं। मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां मैं सेव कर सकूं, इतना दूर आने के बाद मरना नहीं चाहता। समनिंग स्पिरिट, विद अ स्पिरिट कॉलिंग बेल यू कैन यूज एशेस टू समन वेरियस स्पिरिट। समनिंग टिपिकली एक अज्यूम एफपी। अच्छा यही है मेरी स्पेशल पावर जो मैं अभी तक यूज नहीं कर पाया हूं। यू कैन ओनली समन वन टाइप ऑफ स्पिरिट एट टाइम, यू कैन नॉट समन स्पिरिट ड्यूरिंग मल्टीप्लेयर। मेरे साथ हेल्प करेंगे मेरे साथ स्पिरिट आ सकते हैं, बट ये स्पिरिट नोबल एशेस, बट स्पिरिट आए कैसे? Raise the head. अरे यार यहाँ पे आए क्यों थे हम लोग? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, seriously?
आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ है, कैसे पहुंचना, ये बताएगा नहीं, आप खुद खोजो, खुद समझो उस चीज को। वेस्ट साउथ ऑलराइट। अब एक रास्ता जहां पे वो बॉस था, जहां घूम रहा था, उस तरफ से होके आगे बढ़ के देखते हैं, हो ना हो वही होगा आगे बढ़ने का रास्ता। बट स्टार्टिंग में ही इतना खतरनाक बॉस फाइट, ओके इट्स फाइन। कुछ गेम बने ही होते हैं बस आपकी हिम्मत और पेशेंस को चेक करने के लिए। अरे बॉय, मैं लास्ट साइट पता नहीं कहां रिवाइव हुआ था, अगर इसे फाइट हुई तो पता नहीं कहां जाकर रिवाइव, वहीं हो जाऊंगा उसके अंदर आसपास कुछ होता तो मैं करता रिवाइव, ताकि इससे फाइट करे पर यहीं आसपास अगर मरूं तो रिवाइव हो जाता, लेकिन फाइट करके देखें इसे एक बार। क्या डैमेज है यार, मूव। इजी बॉय। आजा। बहुत उसकी हेल्थ बची नहीं है, बच के। दमदार बॉडी, बहुत बढ़िया। ऑसम बॉय। ना कोई ट्रॉफी, ना कोई रिवॉर्ड, इट्स लाइक नथिंग मैन, ये कुछ नहीं था मतलब। शिट, कमाल है यार। I don't know, मैं यहाँ पे तैर सकता हूँ कि नहीं, बट सामने वो ट्री है वहां पे, और इस तरफ चलते हैं एक बार, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं है कि आप बिना मतलब के भटकोगे वहां पे, रिसोर्सेज या कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ही। पता नहीं है जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अभी के लिए। ये मर्चेंट है, कोई एनिमी नहीं है। परफेक्ट, ये चाहिए था मुझे। फास्ट ट्रेवल टू साइट्स ऑफ ग्रेस थ्रू योर मैप यू कैन इंस्टेंटली ट्रेवल टू एनी साइट ऑफ ग्रेस दैट यू हैव डिस्कवर्ड। हाउएवर देयर इज सम डंजंस एंड अदर ट्रेयर्स वेयर दिस कैन नॉट बी डन। ठीक है, मैं फास्ट ट्रेवल कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ जगह पर ऐसा नहीं होगा। ओके, योर टार्निश्ड, आई कैन सी इट, and I can also see
that you're not after my throat, then why not purchase a little something? Exactly. I am Carle, purveyor of fine goods. He's a merchant. Sell karne ki kuch hai? With the shop menu, you can spend runes to purchase various items. You can also sell item for runes. Each merchant stocks a different variety. ठीक है समझ गया. Rune fragment 4. मेरे पास है कितने? कहाँ लिखा है कि मेरे 1861 है मेरे पास. Recommendation purchase. Throwing dagger, telescope, finger remedy, cracked pot. ये सब क्या है? चेन आर्म हथियार टॉर्च चाहिए. 200 का है ना ये. ठीक है. एशेस टूल्स. व्हाट अबाउट आर्मर? ये रहा टैलिस्मैन फॉर ऑल आइटम टूल्स एशेस क्राफ्टिंग मटेरियल की आइटम में क्या है ये सब? वॉरियर्स कुक बुक 2 क्राफ्टिंग किट enables the practice of item crafting. ले लेते हैं ना ये. 300 का है. Sorcery, incantation, essence of war. 600 का है ये. Medium shield. मेरे पास जो shield है पता नहीं वो कैसा है. ये ले लेते हैं इसे. उससे तो शायद अच्छा ही होगा ये. Goodbye. Nice to do business. If you have a crafting kit, you can make various items from materials that you have found. Select item crafting from the main menu to make items. You can learn to craft. ठीक है. You will need cracked pot to order craft. ठीक है. Wait, ये नहीं करना था. Item crafting ये रहा और equipment. इक्विपमेंट मेन्यू का आप एरोज बोल्ट आर्मर सब चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हो. 3 एक साथ. ठीक है. ये भी चेंज होंगे बाद में. इनको करूँगा चेंज क्योंकि ऑब्वियसली डिफॉल्ट वाले तो उतने अच्छे नहीं होंगे. वेट थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन फिजिकल मैजिक भी बढ़ेगा और थोड़ी स्पीड मेरी शायद कम हो जाएगी इसको लगाने के बाद. टॉर्च नहीं चाहिए. मीडियम शील्ड. ये क्राफ्ट करना है. इसको क्राफ्ट करना सीखना है हमें. विद आइटम क्राफ्टिंग यू कैन मेक वेरियस आइटम फ्रॉम दिस. वो जो बुक बिक रही है उस बुक का इस्तेमाल करना है सीखने के लिए क्या चीजें कैसे क्राफ्ट होंगी. फायर पॉट, कंज्यूमेबल, थ्रोइंग पॉट, परफ्यूम आर्ट, एरो बोल्ट. अच्छा ये हमारे पास सीखने के लिए नहीं है. परफेक्ट 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 बॉय. व्हाट इज दिस? फिंगर रेमेडी रिवील्स कोऑप एंड होस्टाइल. अच्छा नहीं ये नहीं चाहिए. शाइंस विद कर्व विद प्लेस सर्विंग एज अ गाइड. गाइड की तरह कि आप कहाँ से आओ कहाँ जाना है. हॉर्स बैक लिखा हुआ है मतलब मुझे यहाँ पे घोड़े वोड़े मिलेंगे. ओके फिलहाल यहाँ पे टेबल पे आप अपने जो भी टूल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो और आपको ब्लैक स्मिथ मिलेंगे जो शायद और अच्छे से इंक्रीज कर पाए उसको. स्मिथिंग स्टोन. विद दिस मनी वी कैन स्पेंड मोस्ट ऑन स्टोन्स टू स्ट्रेंथ समाज को स्ट्रेंथ ना प्लस 3 एडिशनल टू समाज नलन. ठीक है. 310 है ना ये. एडिशनल आइटम रिक्वायर्ड. ओके और ये अच्छा कुछ चाहिए होगा उसके बाद ये अब कर पाऊंगा. मुझे दो एक और चाहिए मतलब स्टोन इसके बिना 20 के बिना नहीं हो पाएगा. मैं बस सेव ना कर लूँ इस चीज़ को. पता नहीं सेव हो रहा है क्या हो रहा है बट कर लेता हूँ. पास टाइम अर्ली डे अर्ली मॉर्निंग अंटिल नून. चलो सामने से कोई आ रहा है पता नहीं वो एनिमी है कि फ्रेंड. वैसे यहाँ किसी को भी दोस्त मानना तो बेवकूफ़ी होगी.
ब्यूटीफुल बेबी, बहुत बढ़िया। सामने क्या, रुकना एक बार जरा। सामने कुछ है, बैल जैसा कुछ नहीं, कुछ और है, सुअर जैसा है वो। गॉड, ऐसा लग रहा है कि दोबारा मैं वहीं आया हूं जहां से पहले। नहीं नहीं नहीं, रास्ता वो नहीं है, वो कोई और जगह है। ये है क्या? बहुत समझ गया, मेरे फ्लास्क को भर देगा ये, जो मेरी हेल्थ वाली है उसके लिए था ये। लेकिन जिस तरह जिस कलर का ये होगा उसको मारूंगा, उससे मुझे मेरी हेल्थ या फ्लास्क एक भर जाएगा मतलब। लेकिन हाँ, मैक्सिमम जितने हैं उतने तक ही कर सकता हूँ, उसके उससे ज्यादा नहीं। ये तरीका है। सामने एनमी कैंप, यहाँ चलते हैं, मजा आएगा। यहाँ पे सिस्टम कुछ होगा ना, मतलब आप खुद को अपग्रेड करते होगे स्टेटस। विद स्टेटस मेनू यू कैन चेक योर लेवल, एट्रीब्यूट, बेस्ट स्टैट एंड मोर। रिफ्लेक्ट चेंजेस टू योर अटैक्स, डिफेंस एंड दिखा। हाँ वही है, लेवल मेरा 9 है, रूम्स हेल्ड 895, नीडेड 811। ओके ओके ओके, मेमोरी स्लॉट 2 है। ये सब चीजें यहाँ पे, मैसेज मल्टीप्लेक्स एडजस्टमेंट। यहाँ पे नहीं होगा ऑरिजिन्स की तरह के सोनू को बुलाओ और आप एनवीज को मार कर लोगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जाओ, फाइट करो, उनको डिफीट करो, अचानक हमला होता है तो तैयार रहो उसके लिए। धप्पा, मुझे किसी एक को पकड़ना होगा, फिर बुलाना होगा, तब जाके मार पाऊंगा उसको। सामने खड़ा है वो। आजा आजा आजा, अरे मैं मार रहा हूं तो उसको, कम से कम उसको तो यार भाव उस वक्त वार ना करे वो। क्या बदतमीजी है ये। है ये भी स्ट्रांग, ऐसा नहीं ये भी जान ले लेंगे एक बार में ही, लेकिन आपने मौका दिया तो। वाई इज ऑलवेज समथिंग इनक्रेडिबल। सामने कुछ है पिलर जैसा, सोल्जर अहेड। अच्छा वो रहा, एक बैठा हुआ है, एक टहल रहा है यहाँ पे, और दो वहां पे घूम रहे हैं, और एक शायद एक वहां पे है। मैं इसको मार सकता हूँ, लेकिन शिट बॉय, इजी। बेवकूफी मत कर, भागो यहां से। अरे मैन, रियली कुछ है इसमें नहीं है, ठीक है।
अरे आराम से रुक जा। वो जादू मंत्र जो भी है काम नहीं कर रहा, कैसे काम करेगा वो एफपी? वो जा रहा, रिटर्न हो गया वापस। यहां बहादुरी से नहीं चलाकी से काम लेना होगा। जिंदा रहोगे दोबारा फाइट कर लोगे, रुक जाओ। अरे नहीं, भाग नहीं रहा वो, खड़ा होकर वेट कर रहा है मेरा। वो समझदार है वो भी, तो पता पीछे से मार लूंगा, मतलब मार दूंगा। देख रहे हो जा कैसे रहा है वो, किस तरीके से कि आप चाहो भी तो पीछे से उसको रोक के मार दो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको जाना ही पड़ेगा बाद में वापस सीधी फाइट लेने के लिए। कमाल है, इस डिटेल पे ध्यान दिया इन्होंने कि हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो। हेल्थ अभी भी कम नहीं हुई है यार। ये क्या पिया तुमने अभी? क्या मैनू मार देगा तो मर जाओगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भागो। अरे भाग जाते पगले। हेल, खैर कोई बात नहीं, जहां जहां चीजें गिरी है मैं वहां उठा सकता हूँ वहां से वापस। बहुत खतरनाक एरिया नहीं है वो। स्टेक ऑफ मारिका और लास्ट साइट ऑफ ग्रेव। स्टेक ऑफ मारिका था क्या यहाँ आसपास? पता नहीं, देखा नहीं मैंने। मैं बहुत दूर ना पहुंच जाऊं स्टेक ऑफ मारिका वहां पे कहीं। अच्छा नहीं नहीं, मरा भी तो आसपास ही हो गई वो रहा। दोबारा ट्राई करता थोड़ा संभल के और उससे आखिरी फाइट लेंगे यार, क्योंकि वो जिंदा रहा ना तो फिर बाकियों को मारने में दिक्कत होगी। पहले बाकियों को निपटाओ उसके बाद उसे फाइट लो। लास्ट टाइम चढ़ गए थे, अभी क्या दिक्कत आ गई बाबा? तब तेरे की नहीं अंकल, बस ऐसे घूमने आया था, पिकनिक मनाने के लिए जा रहा हूं, वापस जा रहा हूं। कैसी आवाज है? अच्छा ये कहाँ तक जाओगे आप? ये रोड कहीं खत्म ही नहीं हो रही है, इतना बड़ा एरिया है इसका कि एक एनिमी वहां पे है, एक साथ घोड़े पे घूम रहा है और एक यहां पे खड़ा है। डैम वुल्फ मैन, इजी, मुझे पता नहीं एक और आएगा साला। अरे रुक जाओ, लॉक करो उसको अब। ठीक है, बढ़िया बॉय, बहुत बहुत बढ़िया, आराम से।
आजा। चाहता है क्या उधर आऊं ताकि वो दे बाकी लोग देख ले मुझे। खतरनाक वाला उधर घूम रहा है और एक एक पहलवान इस बगल में खड़ा है। इसको निपटा सकते हैं लेकिन दो हैं जो दाएं बाएं घूम रहे हैं। क्या लिखा था आप? प्रीसियस आइटम अहेड। एडिंग स्किल्स विथ अ वेट स्टोन नाइफ यू कैन यूज एशेस ऑफ वॉर टू ग्रांट योर एनामेंट्स न्यू स्किल्स एट साइड ऑफ ग्रेस। ठीक है, किसी एनामेंट के पास सिर्फ एक स्किल होगी और अगर आप कोई भी स्किल लगाते हो वो रिमूव हो जाएगी पुरानी वाली। ठीक है, कैन नॉट बिगिन अ न्यू वन। ठीक है। बूस्ट कर सकता हूँ, इट्स लाइक अ न्यू पर्क और समथिंग, आप चेंज कर सकते हो लाके। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, जो जहाँ पे मैं रेस्ट करता हूँ वहाँ पे होगा। बाहर आते ही स्वागत ना हो जाए मेरा। यहां पे आएगा मैंने कहा था ना, बाहर आते ही स्वागत ना हो जाए। देख लिया क्या उसने? शिट, मैंने बोला ना अभी चलाकी से काम लेना होगा, अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो मारे जाओगे, सब खराब हो जाएगा। सो क्या हरकत थी यार ये, अटैक करना बनता है ना वहां पे। कुछ है यहां पर, रुको एक मिनट। चेस्ट, व्हाट फ्लेल, क्या ये फ्लेल? अरे भाई गेम ऑन है, पीछे देख रहे हो, मैं पॉज करके भी पॉज नहीं हूं। ये क्या बात हुई? इन्वेंटरी, जो चीजें मुझे कैरी करने में, क्रैक कैरी कर सकता हूं, बाकी चीजें मैं ड्रॉप कर सकता हूं। ऑलराइट, कुछ मिला था ना अभी नया? ये फिजिकल 115, 109, ये कम है लेकिन ये जो भी है, बट इसे यूज नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। डेक्स 18 वो मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा एक और देखा था हमने उस तरफ, वहां भी उसमें भी शायद कुछ हो जाए जो हमारे काम का हो।
वो सांड इधर ही घूम रहा होगा, उसे बच के। वो ये रहा, लाइक नॉट हियर ऑल। नहीं बॉय, नहीं 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 नहीं, इतने करीब आके मरना नहीं है यार। इधर आगे बढ़ते हैं, शायद सेव पॉइंट मिल जाए। अगर मरेंगे तो इधर ही रिवाइव हो जाएंगे। नहीं मिला, नहीं मिला तो है वहां पे, वो है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे भाग रहे हैं शायद वो। ये सांड यहां से निकले तब जाके सेव कर पाऊं ना, वरना आगे बढ़ूंगा तो वो मार देंगे। एक दो तीन चार लोग खड़े हैं यहाँ पे। अरे बस कर यार, ये तरीका इसको मारने का वही है ना। एनिमी स्ट्रांग नहीं है, बस सीखना है कि मारना किस तरह से है। परफेक्ट हो बेबे, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेस्ट करूंगा तो दोबारा एनिमी रिवाइव हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि रिवाइव हो। मुझे पहले लूटना है यहाँ पे। शो मी ऑसम, कुछ मिला ना बढ़िया वाला स्वॉर्ड, दिखाओ जरा एक बार। ये भी यूज नहीं कर पाऊंगा इस, ये पावरफुल है लेकिन यार, ये पावरफुल है बट यूज नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरा स्ट्रेंथ शायद 16 चाहिए मुझे, वो इंक्रीज होगा उसके बाद। खैर पहले अपनी हेल्थ वेल्थ बढ़ाते फिर आगे बढ़ेंगे। Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Hi, kaisi hain aap? I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. सब मुझे यही बोल रहे हैं। I can play the role of maiden, turning runes into strength. To aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. अगर ऐसा देखा है तो मेडन का मतलब तो वाइफ ऐसा कुछ होता है ना, लेकिन मेडन का मतलब किसी गुरु या उससे रिलेटेड नहीं है। मतलब रियल लाइफ की बात करूं तो मेडन मतलब क्या होता है, आपकी संगिनी या फिर समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे मतलब कुछ और हो जा रहा है यहाँ पे। इसके बारे में बात करूं तो ये जो ऑफर कर रही है, पता नहीं मैं उसको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन रिफ्यूज करने का मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सच में अकेले हूँ यहाँ पे तो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज वैसे भी इस लड़ाई में अकेले ही हूँ तो मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा।
summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Whoa. Spectral steed whistle. CT. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent, इसका घोड़ा जो स्टार्टिंग में इसने बोला था नाम लिया था Torrent. जब हम गिरे हुए थे हमारे पैरों के उसका पैर हमारे सिर के पास आया था वही है ये. Night past time. ये विसल You can dismount this by pressing again L3. इस विसल को यूज कैसे पाउच में जाके यूज करना है. इसको लगाना होगा तब तो यूज कर पाएंगे ना. यहां भी तो लगा सकते हैं. नहीं लगा सकते क्या इसको. ये रहा. बॉयज एक मिनट में थोड़ा सीखना चाहता हूँ कैसे कैसे काम कैसे करता है ये. अच्छा ऐसे ही लगाना पड़ेगा ये इस तरह से. परफेक्ट बॉय बहुत बढ़िया. इट्स अमेजिंग. हाय गोल्डन सीड. ये गोल्डन सीड वही नहीं जिसे हमारा फ्लास्क बढ़ता है उसको पिएंगे तो. इधर थोड़ा घूम के देखें एक बार क्या है इधर. और बड़ा ऐसे क्यों चल रहे हैं. I love this. स्टार्टिंग में थोड़ा वो डाउट लग रहा था क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और उस पर जाके इस तरह से घूमना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. सो इसके साथ आसान होगा. ऑसम. और ये जादुई घोड़ा है तो ना थकेगा ना ही छोड़ के मुझे भागेगा. गोल्डन रूम. उस लेडी ने एक बात ये भी कहा था कि तुम्हारे इतने रूम्स हैं उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी मतलब स्ट्रेंथ में. व्हाट इज दिस. वो इजी. इंटर एवर गाउल. व्हाट इज दिस. यहां पर से आई डिड इट. स्टे काम अहेड. व्हाट इज द बॉस फाइट. बिहोल्ड. इसे एग्जिट करना चाहता हूं मैं ताकि मैं सेव कर पाऊं किसी जगह पे. यार धत तेरे की यहां पे भी फाइट के लिए नहीं आना चाहिए था. ये देखो इस शिट.
अरे रुक तो जाता, मुझे कम से कम घोड़ा समन कर रहा था मैं। क्या बदतमीजी है यार ये, अजीब पागल आदमी हो तुम। स्टेक ऑफ मरिया कहाँ देखा है हमने? स्टेक ऑफ मरिया वहां ना पहुंच जाऊं पीछे वाले पे, लेटेस्ट तो नहीं था कहीं पे, पता नहीं, देखते हैं। आई विश कि बहुत पीछे ना चला जाऊं बस। ओह थैंक गॉड। मैं यही बोल रहा था कि आसपास एक सेव पॉइंट पहले रखना चाहिए, उसके बाद किसी बॉस फाइट में घुसो, कि आपके आइटम खराब ना हो कम से कम। बॉयज़ एक काम करते हैं, आज का एपिसोड इतना रखता हूं मैं, आपसे मुलाकात करता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, फिर घूमते हैं देखते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको टिप देना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम बॉय, बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, लेकिन कोई स्पॉयलर मत देना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई स्पॉयलर प्लीज मत देना, ठीक है? चलिए आपसे मुलाकात होगी बहुत 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 जल्द, एंड मेक श्योर कि आपने लाइक किया हो। टारगेट बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा 5000 लाइक का टारगेट है, बहुत छोटा सा, आप वो कंप्लीट कर सकते हो, मुझे लगता है आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, सो हो जाएगा ना। ओके Bunk.